The Crazy Tour. Hello friends, a very warm welcome to my channel. मेरे चैनल का नाम है The Crazy Tour. Friends, please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वो नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिल सके. फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि चॉकलेट मूस कैसे बनाते हैं. बहुत ही आसान तरीका है ये बनाने का, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी. 200 ग्राम्स कुकिंग चॉकलेट, 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, 500 ml मिल्क, 4.5 टीस्पून शुगर, 4 to 5 कप व्हिप्ड क्रीम. ये हुई हमारी सामग्री. अब हम देखते हैं इसे बनाना कैसे है. सबसे पहले हम 200 ग्राम्स कुकिंग चॉकलेट एक कांच के बोल में ले लेंगे. उसे मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स तक हीट करेंगे. फिर उसे फिर से 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में हीट करने रख देंगे. हमें चॉकलेट को एक ही साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे पिघालनी है. ये हमारी चॉकलेट पिघल कर रेडी है. इसे हम साइड में रख देंगे. अब एक छोटा सा बोल लेते हैं, उसमें हम 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे. टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करते हैं. अब इसमें 100 ml दूध डाल देंगे. अब इसे चम्मच से इस तरह से चलाकर मिक्स कर लेंगे. हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें सारे लम्स टूट जाए. ये देखिए, इसे मैंने चम्मच से चलाते चलाते सारे लम्स तोड़ दिए हैं. अब एक तपेला ले लेंगे, उसमें हम 400 ml दूध ले लेंगे. अब इसमें 4.5 टेबलस्पून शक्कर डाल देते हैं. अब ऐड करते हैं 200 ग्राम मेल्टेड कुकिंग चॉकलेट जो हमने स्टेप 1 में मेल्ट की थी. फ्रेंड्स, इस चॉकलेट में मैंने बिल्कुल भी पानी या फिर दूध नहीं ऐड किया है, इसलिए ये जो दूध हम लेंगे वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, वरना चॉकलेट दूध में डालते ही कड़क हो जाएगी. अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर डाल देंगे जो हमने स्टेप 2 में बनाया था. अब इसे गैस पर बॉईल के लिए रख देंगे. थोड़ी देर और गैस पर ही रखेंगे ताकि कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से कुक हो जाए. हमें इस मिक्सचर को इसी तरह कंटिन्यूअसली चम्मच से चलाते रहना है ताकि ये गाढ़ा मिक्सचर तपेले को चिपक नहीं जाए. ये देखिए, कुक होते होते ये इतना गाढ़ा हो गया है. अब कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से कुक हो चुका है. इस मिक्सचर को हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे. ये मिक्सचर ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे. ये देखिए, ये इतना स्मूथ हो चुका है. ये हमने 4 से 5 कप व्हिप्ड क्रीम ले ली है. अब हमें 3 अलग मिक्सचर बनाने होंगे. सबसे पहले हम एक बोल में व्हाइट व्हिप्ड क्रीम निकाल लेंगे. इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं करेंगे, ये व्हाइट ही रहेगा. फिर एक अलग बोल में हम व्हाइट व्हिप क्रीम और रेडी किया हुआ मिक्सचर मिक्स करके बीटर चला लेंगे. इसका रंग हमें थोड़ा सा लाइट चॉकलेटी मिलेगा. और लास्ट हम एक बोल में रेडी किया हुआ मिक्सचर ले लेंगे. इसका रंग फुल चॉकलेटी होगा. तो फ्रेंड्स, हमने चॉकलेट मूस के लिए 3 अलग शेड्स बना लिए हैं. अब हम ये तीनों मिक्सचर्स 3 अलग पाइपिंग बैग में भर लेंगे. अब बारी आती है मूस की ग्लास को डेकोरेट करने की.
सबसे पहले हम पाइपिंग बैग से फुल चॉकलेटी वाला मिक्सचर ग्लास में लेंगे। उसे ग्लास में इस तरह से गोल गोल घुमाकर डेकोरेट करेंगे। ये हमारी नूडल डिजाइन बन चुकी है। अब हम इसके ऊपर और एक लेयर बनाएंगे और वो है लाइट चॉकलेट का। उसे भी इसी तरह गोल गोल घुमाकर डेकोरेट करेंगे। लास्ट में हम प्लेन फ्रेश क्रीम से सजा लेंगे और उसे भी इसी तरह गोल गोल घुमाकर सजा लेंगे। फिर धीरे धीरे ऊपर से छोड़ना है। ऊपर से चॉकलेट चिप्स या फिर कोई भी चॉकलेट डेकोरेशन यूज कर सकते हैं इसे सजाने के लिए। ये हमारा चॉकलेट मूस का ग्लास रेडी है। फ्रेंड्स, आपको ये डिजर्ट कैसा लगा उसके बारे में प्लीज कमेंट कीजिए और फीडबैक दीजिए। ऐसे और भी डिजर्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। आपको कोई भी डिजर्ट की डिमांड हो या फिर कोई भी रेसिपी की डिमांड हो तो आप वो भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।